अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर 21 शिक्षकों का हुआ सम्मान। सम्मानित होने पर शिक्षकों के खिल उठे चेहरे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया न्यूज़ 24x7 में। आइए बढ़ते हैं देवरिया से आई खबर की ओर। खबर यूपी के देवरिया से है, जहां सद्भावना संकल्प सेवा समिति उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान समारोह को अंतर्राष्ट्रीय विश्व शिक्षक के रूप में मनाया गया। उसी दिन अध्यापकों को सामान्य रूप से और कतिपय कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसी क्रम में देवरिया के नगर पालिका सभागार में शैक्षणिक अभियान जिज्ञासा के तत्वाधान में उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मान समारोह किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य शारदामणि त्रिपाठी के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम का संचालन रविकांत मणि त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ किया गया, साथ ही साथ सरस्वती वंदना गीत मोहिनी मिश्रा के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न कॉलेजों के उत्कृष्ट शिक्षकों को स्मृति चिन्ह सम्मान पत्र व अंगवस्त्रम पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्थापक अध्यक्ष राम प्रसाद तिवारी, शिवप्रकाश मिश्र, आलोक पांडे, आशुतोष तिवारी, धीरेन्द्र मणि, वंदना प्रजापति, अर्चना सिंह, ममता शाह, दिवाकर तिवारी, राणा प्रताप सिंह आदि लोग मौजूद रहे। देखिए ऑल इंडिया न्यूज़ 24x7 के साथ देवरिया ब्यूरो रवि प्रकाश की रिपोर्ट। और ये बहुत अच्छा प्रोफेशन प्रकार का सम्मान समारोह है, क्या है ये? ये शिक्षकों के लिए आज आयोजन हुआ है। आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का अवसर है। ये पावन और पुनीत अवसर है हमारे शिक्षकों को सम्मानित करने का। जो कमजोर में ताकत भरते हैं, जो बेजान में जान भरते हैं, आज उनको सम्मानित करने का अवसर है। इस पावन पुनीत अवसर पर हम सभी देवनगरी देवरिया के सम्मानित वासी आज के सम्मान के लिए आए हुए हैं। और हम लोग सर कितने लोगों कितने शिक्षकों का आप सम्मानित करेंगे? इस शिक्षकों का सम्मान आज होना है, उसी का क्रम चल रहा है। कुछ शिक्षक सम्मानित जी अपने जिले के देवरिया जिले के 21 शिक्षकों का चयन हुआ है। उसमें क्या नाम पड़ेगा सर आपका? जी मेरा नाम प्रोफेसर राम प्रसाद तिवारी है। मैं शैक्षिक अभ्यास जिज्ञासा जो है उसका संस्थापक निदेशक हूँ। और हम लोग और पूरी टीम हम लोगों की लगी है और सहयोग मिल रहा है हमारे सम्मानित जनता का। और हम लोग इस क्रम को और आगे ले चलेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही कोरोना काल आप लोग जानते हैं, ये सभी लोग परिचित हैं। कोरोना काल एक तरह से उदासीन समय रहा और बहुत ही हम लोग परेशान रहे। उस परेशान में उस जो हम लोगों की हालत है वो एक तरीके से बेहोशी की हालत में है, उसको फिर से सजीव करने के लिए, ऊर्जा भरने के लिए आज इस आयोजन किया गया है। इस समझ